Hello friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video I will teach you verbs, okay? इससे पहले भी 5 videos आ चुके हैं, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है? ये 6th video. जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि daily मैं आपको एक verb वाला video लेके आऊंगी और एक tense वाला video लेके आऊंगी, ठीक है? अगर आप नहीं जानते कि V1, V2, V3, V4 form क्या है, मैंने बहुत ही अच्छे से explain किया है 5 videos में, और यहाँ भी बता दूंगी कि V1 form हम present में use करते हैं, V2 past में use करते हैं, V3 perfect tense में use करते हैं, V4 जो काम हमारा चल रहा है उसके अंदर use करते हैं, ठीक है? Next, आज का जो सबसे पहला verb है वो कौन सा है? Sell. Sell का मतलब होता है कोई भी चीज बेचना, ठीक है? और उसका V2 form है sold, उसका V3 form है sold, उसका V4 form है selling, ठीक है? आपका next verb है tell. Tell का मतलब होता है बोलना, ठीक है? V2 form है told, V3 form है told, V4 form है telling, okay? आपका next verb है say. Say का मतलब होता है ये भी बोलना या कहना, ठीक है? Next, उसका V2 form है said, उसका V3 form है said, उसका V4 form है saying, ठीक है? Next verb है आपका pay. Pay का मतलब होता है कोई भी चीज अदा करना, ठीक है? पेमेंट करना, अदा करना, ठीक है? उसका V2 form है paid, उसका V3 form है paid, उसका V4 form है paying, okay? आपका next verb है get. Get का मतलब होता है कोई भी चीज लेना, उसको बोलते हैं, ठीक है? या get up मतलब उठना. एक ही वर्ड के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है? ये जो सेंटेंस होता है और जो सेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है? नेक्स्ट, उसका V2 फॉर्म है got. Got मतलब मिल गया. और V3 फॉर्म है gotten, V4 फॉर्म है getting, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.